शमास रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खीरे की रायते की रेसिपी। यूं तो गर्मियों में कई पेय पदार्थ पिए जाते हैं, लेकिन रायते के बिना गर्मियां अधूरी सी लगती हैं। और रायते अगर हेल्दी हो तो क्या ही बात है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो ये खीरे का रायता आपके लिए है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस नहीं भी हैं तब भी आप ये रायता ले सकते हैं, क्योंकि खीरे का रायता हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है, जिसकी गर्मियों में हमें बेहद ज़रूरत होती है। तो चलिए बनाना आज स्टार्ट करते हैं खीरे का रायता। खीरे का रायता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम के करीब दही ले लिया है। इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। ये घर का दही है बना हुआ। और साथ ही ये एक खीरा ले लिया है मैंने बड़े साइज़ का। उसको कड़वापन निकाला उसका, उसको छीला, धोया और कद्दूकस कर लिया। मैंने बारीक ग्रेटर की सहायता से ग्रेट किया है इसे। आप चाहें तो मोटे ग्रेटर की सहायता से भी ग्रेट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये सारा खीरा इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। थोड़ा सा ही डालना है काली मिर्च पाउडर, ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हमें इसमें हरी मिर्च और धनिया भी डालना है। और ये क्या हमारा हरी मिर्च और हरा धनिया। साथ ही डालेंगे इसमें हम साथ ही डालेंगे ये सेंधा नमक और थोड़ा सा सफ़ेद नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इन सबको मिलाते हैं। बहुत ही हेल्दी रायता है, आप इसे गर्मियों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही जायकेदार होता है। अक्सर पहाड़ी लोग इसे बनाते हैं, पहाड़ों में ज़्यादा खाया जाने वाली रेसिपी है ये। बहुत टेस्टी लगता है। देखिए ये रायता हमारा बन गया है। इसे थोड़ा सा और डेकोरेट कर देते हैं। तो डेकोरेशन के पर्पज से थोड़ा सा हम इस पर डालेंगे ये ग्रेटेड खीरा, थोड़ा सा डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं। और ये धनिया थोड़ा सा, और इस पर थोड़ी सी लाल मिर्च हम स्प्रिंकल कर देते हैं। लुपाइस कितना प्यारा लग रहा है। और थोड़ी सी काली मिर्च भी स्प्रिंकल कर देते हैं। इससे क्या होता है ना, खाने का मन करने लगता है। अगर आप कोई भी चीज़ खाना चाहते हैं तो उसे खाने का मन करने लगता है। डेकोरेट करके खाते हैं तो कहते हैं ना, खाना खाने से पहले हमें हमारा खाना हमें जब खाते हैं तो उसे और कोई भी खाता है, और वो होती हैं हमारी आँखें। तो जो चीज़ आँखों को भाती है वही हम खाते हैं। तो ये आपका रायता बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना यमी और टेस्टी लग रहा है। गर्मियों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके शरीर में पानी की अगर कमी हो तो इसे ज़रूर पीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।